सो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। आज हमने एक नई प्ले लिस्ट शुरू की है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, एंड इसमें हम डेली के डेली हर करंट अफेयर की डिस्कशन किया करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द करंट अफेयर, एंड बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, सड़क हादसे को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने रक्षक पहल शुरू की है, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस द रक्षक इनिशिएटिव टू बूस्ट द रोड सेफ्टी। इनमें से किस राज्य ने रक्षक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सो उत्तराखंड, ओडिशा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन है जी ओडिशा। ओडिशा ने ये सड़क दुर्घटना कार्यक्रम शुरू किया था, एंड इसमें इन्होंने 30,000 लगभग स्वयं सेवक रखे थे, ठीक है, एंड जो कि इसके लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी आज की सीरीज का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5,250 करोड़ रुपए की 3 और सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, या इंग्लिश में है जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट वर्थ 5,250 करोड़। सो ऑप्शन है जी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दी। सो राइट ऑप्शन है जी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने स्टार्ट किया था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, अप्रूवल के बाद। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना को किस देश से 2 मिराज 2,000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं, या फिर इंग्लिश में है जी इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसीव 2 मिराज 2,000 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। सो ऑप्शन है जी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस या नन ऑफ दी। सो द राइट ऑप्शन इज फ्रांस। ठीक है, एंड जो हमारी हिंदुस्तान एयर लिमिटेड कंपनी है वो इस मिराज के अपग्रेडेशन का काम कर रही है, ठीक है, एंड बेसिकली वो इस चीज़ को शुरू करके जल्दी ही फाइनल कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है, हु हैज़ वॉन द नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। सो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या नन ऑफ द। राइट ऑप्शन है जी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को 27 रनों से हरा कर अरुण जेटली स्टेडियम में नेत्रहीन के लिए यह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था, एंड दिस इज फॉर द चैरिटी पर्पस। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला फ्रांसिसिको सुसानो का किस उम्र में निधन हो गया है, इंग्लिश में है जी एट व्हाट एज हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमन फ्रांसिसिको सुसैन पास्ट अवे, किस उम्र में उनका देहांत हुआ था। तो राइट ऑप्शन है जी 124 ईयर की एज में उनका देहांत हुआ था, एंड इनका जो बर्थ है वो तकरीबन 1800 के दशक के आसपास है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत का समर्थन करते हुए हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता के लिए 1.2 बिलियन रुपए यूरो की घोषणा किया। सो इंग्लिश में है जी सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस 1.2 बिलियन यूरो फॉर इंडियाज एड। सो ऑप्शन है जी यूके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी। सो द राइट ऑप्शन इज जर्मनी। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की 50% जनसंख्या बहुआयामी आयामी गरीब है, मीन्स मल्टी डायमेंशनली पुअर। सो विच स्टेट ऑफ स्टेट्स 50% पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ऑप्शन है जी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या नन ऑफ दी। सो बिहार इज द राइट ऑप्शन। बिहार की जो जनसंख्या है दैट इज क्वाइट पुअर। देन नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल प्रशिक्षण किया है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A। सो
ऑप्शन है जी पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स या नन ऑफ दी। सो राइट ऑप्शन है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शाहीन 1A का बेसिक प्रशिक्षण किया था रिसेंटली। देन नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है? फॉर विच स्कीम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अलोकेटेड मोर देन ₹10,000 करोड़। सो ऑप्शन है जी सेल्फ रिलायंट इंडिया, इंडियन प्लान दैट इज आत्मनिर्भर भारत, सेकेंड है जी क्यूरियोसिटी प्लान दैट इज जिज्ञासा योजना, थर्ड है जी ओनरशिप प्लान जिसका मतलब है स्वामित्व योजना, एंड लास्ट वन इज द मनरेगा स्कीम दैट इज द राइट ऑप्शन। सो मनरेगा के लिए इन्होंने ₹10,000 करोड़ का जो एलोकेशन किया था। एंड इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बिच्चू थिरुमाला का निधन हो गया है, वह कौन थे? कहते बिच्चू थिरुमाला हैज पास्ट अवे एंड हु वाज ही, ये कौन थे? बेसिकली ही इज अ लिरिकिस्ट, सो वो गीतकार थे एंड गीत लिखते थे, लिरिक्स लिखते थे, ठीक है। एंड इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मलयालम फिल्म उद्योग के प्रशिक्षित गीतकार थे ये, एंड इनका 79 ईयर की एज में जो है वो देहांत हो गया था, एंड केरल की राज्य सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया था। एंड लास्ट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे है जी भारत ने किस राज्य में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है, दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्ट लैंड इन द इंडिया। ऑप्शन है जी गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सो प्लीज़ मुझे जो आपके रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, एंड डेली के इसी तरह के करंट अफेयर्स में लेके आता रहूँगा आपके लिए। टिल देन थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।